अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस साल के बजट में मदरसों के लिए 459 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने मदरसों के लिए आधुनिकीकरण के लिए इस रकम की घोषणा की। योगी सरकार का ये तीसरा बजट है। सरकार ने 4,79,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में करीब 21,212 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की है। बजट में अरबी फारसी की तालीम देने वाले मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को वजीफे के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 6 लेन के लिए 100 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मथुरा वृंदावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8,38,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में 4 दीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।